आज मोहाली के डीसी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी द्वारा जोरदार ढंग से प्रदर्शन किया गया। उन्होंने यह प्रदर्शन राज्य मंत्री साधु सिंह धर्मसोत तथा पंजाब कांग्रेस के खिलाफ किया तथा धर्मसोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला भी जलाया। पंजाब महिला विंग के पंजाब प्रधान मैडम राज कौर गिल ने बताया कि मंत्री द्वारा किए गए 64 करोड़ के घोटाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैडम राज कौर गिल ने बताया कि देखो जिहड़े मिनिस्टर धर्मसोत है इन्होंने दलित परिवार के बच्चों की जड़ा है वजीफे की रकम ए खा के अपने बच्चों नूं विदेश भेजते ने, अपने बच्चों नूं एसी के कमरे च रखते ने, ते जड़े दलित के बच्चे ने वो सारे दे सारे वांझे ने शिक्षा तो। ते असी ये कहंदे आ कि कल्ला कांग्रेस का नहीं, ये 2012-13 तो अकाली दे टाइम तो इहदी जांच होनी चाहीदी है, ते नाले अपने एक आईएएस ऑफिसर तो जांच नहीं हो सकती। ए तां जिहड़ा सिटिंग जज है, प्रेजेंट जज है, उन्हां तो करवाओ, सीबीआई तो करवाओ, क्योंकि इन्होंने अपने मिनिस्टर नूं बचाउणा ही बचाउणा इहदे करके। किन्ना घोटाला है ये जी? 64 करोड़ का घोटाला है। ते जिहड़े बच्चों की इन्होंने पैसे खाधे ने वह बच्चे साढ़े अज शिक्षा तो भी इन्ने वांझे ने कि उन्हां दा फ्यूचर भी कोई नहीं रह गया। तो इस करके जिहड़ा साडे अपने बच्चों के लिए असं अपने पंजाब दे विच अपने दलित भरावों के लिए खड़े हाँ। ये दोवें पार्टियां ने मिलकर सारा टाइम पंजाब घोटाले ही होए ने, सारा टाइम पंजाब के अंदर माफिया राज चलता है, यह गुंडा राज है पंजाब के अंदर।